Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. We were solving linear inequalities. We have done some questions on this. Before we move on, I want you to take a screenshot of this. These are the questions you can solve after this lecture, okay? Just take a screenshot and please solve these questions, these four questions I have given. Okay. I hope it is done. ये माइनस इनफिनिटी लिखा है यार, ठीक है, ये एट माइनस एट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये अगर साफ ना दिखाई दे रहा तो यहाँ पर थोड़ा सा यह लिखा हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन में फाइंड ऑल इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस 5x माइनस 1 लेस देन x x प्लस 1 होल स्क्वायर लेस देन 7x माइनस 3। ओके, ये देखिए, ये पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज है, या ये कहें कि लीनियर इनइक्वालिटीज का एक सिस्टम है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि ये वाली इनइक्वालिटी पहले सॉल्व करनी है। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे क्लास 10th में, सॉल्व किया, दो इक्वेशंस दी रहती थी और हम ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते थे जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ वो इंटीजर्स ढूंढने हैं जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे एंड इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे। ओके, तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, we want all such integral x that's which satisfies this inequality as well as this inequality. Okay. So let us consider a question. X square minus 5x plus 6 upon just consider that we want to solve this rational inequality. ये rational inequality है, ये एक rational function है। rational function क्या होता है, जिसका numerator भी एक polynomial हो और denominator भी एक polynomial हो। ध्यान दीजिए, इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो सर एक साइड जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया है सर, और दूसरे साइड में जो हमारा रेशनल फंक्शन है उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हुआ होना चाहिए। तो ये लीनियर फैक्टर में नहीं, ये भी हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर में, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू। अगर आप फैक्टराइजेशन पे आपने खूब प्रैक्टिस की है तो इसको आप देख ही के पहचान गए होंगे कि ये फैक्टराइज नहीं होगा, ऐसे लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज नहीं होगा। तब इसका क्या करें सर, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस में आ जाता है, मतलब ठीक है, इसके बारे में जरा जान लेते हैं फटाफट से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है क्या, आपको थोड़ा सा यहाँ साइड में अलग से देखो यार, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक। आपको मालूम है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक पैराबोला होता है, पैराबोला अपवर्ड पैराबोला हो सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस क्वाड्रेटिक के बारे में कैसे श्योर होंगे कि ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है ना। तो देखने वाली बात तो ये है यहाँ पर कि अगर a ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारा पैराबोला अपवर्ड होता है ना, अगर a लेस देन जीरो होता है तो हमारा पैराबोला डाउनवर्ड होता है। ये पॉइंट आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है, कब पैराबोला हमारा अपवर्ड है, कब पैराबोला हमारा डाउनवर्ड है। इसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब हमारा जो पैराबोला जो हमारा ग्राफ है वो पैराबोला है जो वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर डी लेस देन जीरो है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे तो मतलब ग्राफ पैराबोला को ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, और अगर डी इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब दोनों रूट्स दोनों जीरोज इक्वल हैं, और अगर दोनों जीरोज इक्वल हैं तो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, है ना। ये बात समझ में आनी चाहिए यार, क्या बताया जा रहा है, देख लो यार थोड़ा फिर से। ऐसा ग्राफ कब होगा जब a ग्रेटर देन जीरो और d ग्रेटर देन जीरो, ऐसा ग्राफ कब होगा जब a लेस देन जीरो और d ग्रेटर देन जीरो, है ना।
ऐसा ग्राफ कब होगा जब a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 हो। ऐसा ग्राफ कब होगा जब a ग्रेटर देन सॉरी जब a लेस देन 0 और d लेस देन 0 हो। एस ऐसा ग्राफ कब होगा जब a ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0। ऐसा ग्राफ कब होगा जब a लेस देन 0 और d इज इक्वल टू 0। मतलब है ना मतलब a क्या डिसाइड करता है, a डिसाइड करता है ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाया मैंने। अगर आप लोग ये सब 10th में पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको ये बड़ा बोरिंग साउंड कर रहा होगा, बट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम हो। अगर क्वाड्रेटिक में सॉरी किसी क्वाड्रेटिक में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ए, ये क्या बताता है, ये बस ये बता रहा है फिलहाल ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो पैराबोला है जो हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। ठीक, देखिए अपवर्ड के लिए ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड के लिए ए लेस देन 0, हर जगह ए बस ये बताएगा कि ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। डी क्या बताएगा, डी बताएगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, टच करेगा या नहीं करेगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करेगा, डी ग्रेटर देन 0 एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करेगा, डी लेस देन 0 है मतलब कोई इमेजिनरी रूट्स मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, डी लेस देन 0 एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, डी इज इक्वल टू 0 मतलब दोनों रूट्स बराबर होगा, एक ही 0 मिलेगा, एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। तो अगर आपको ये मालूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं मालूम है तो प्लीज इसको बना लीजिएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या ए, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो माइनस 3 आ रहा है सर, मतलब डी आ रहा है हमारा लेस देन 0, डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 कहाँ गया, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा होगा इस क्वाड्रेटिक, ये नीचे वाला ऊपर वाला तो फैक्टराइज हो गया हमारा, नीचे वाला नहीं हो रहा था, तो नीचे वाला चूंकि फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम लोग जानना चाह रहे थे कि वो कैसी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका मतलब आप देखिए एक्स की किसी भी वैल्यू पर, एक्स की किसी भी वैल्यू पर इसकी वैल्यू, इसका आउटपुट, ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा आउटपुट देगी, पॉजिटिव। एक्स की कोई भी वैल्यू दें ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव, ये सब मालूम होगा कार्टेशियन सिस्टम का बेसिक है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या ये कभी जीरो के बराबर आ सकता है, नहीं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, ये एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जीरो के बराबर कभी होगा नहीं और जीरो से कम भी कभी नहीं होगा, ये हमेशा क्या है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ये पहचाने कि क्या है। अब डिनोमिनेटर हमारा हमेशा पॉजिटिव है, एक्चुअली ये अब कोई रोल नहीं प्ले कर रहा इस इनइक्वालिटी में, हमको ये पूरा रेशनल फंक्शन कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। डिनोमिनेटर हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये नेगेटिव कब होगा, ये पॉजिटिव है ही, नीचे वाली चीज पॉजिटिव है, तो ये पूरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नेगेटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर नेगेटिव। तो मैं सीधे सीधे इसको ये लिख दूं कि दिस रेशनल इनइक्वालिटी इंप्लाइज दैट या फर्दर इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 मस्ट बी लेस देन 0। ये जीरो के इक्वल है नहीं कभी, हमेशा जीरो से बड़ी है, पॉजिटिव ही है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, हमको चाहिए कि ये नेगेटिव कहां होगा, ये नेगेटिव वहां होता सर जहां ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, लेकिन ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव होने के लिए इसको नेगेटिव होना होगा, मतलब ये न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए। इसके नेगेटिव होने का बड़ा आसान सा काम है, यहां से x इक्वल टू 2, यहां से x इक्वल टू 3, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव, प्रीवियस लेक्चर में बात हुई है हमने कि नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, x बिलोंग्स टू 2 से This is our answer. Let's take a screenshot. जो भी 11, 12 के students, actually relational inequalities 10th का भी बंदा पढ़ सकता है।
क्वेश्चन नहीं। अगर आपका अगर आपकी 9th तक की एजुकेशन अच्छी रही तो आप 10th का एक स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। कंपटीशन में जब जो भी स्टूडेंट्स फाउंडेशन करने जाते हैं उन्हें इनइक्वालिटीज वगैरह 9th 10th में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। मेक श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। पेन पेपर लेकर के बैठा करो यार, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठते हैं उनको आप रफ पेन लेकर के बैठा करें, ठीक है। सीख समझते चला कीजिए कि क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे समझा कीजिए कि एकदम क्लास ही चल रही है आपके सामने। ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज लेस देन एक्स। सर एक साइड जीरो होनी चाहिए, तो एक्स दिया हुआ सुधर में। सर ये तो अननोन क्वांटिटी थी, इसको आप इधर कैसे बुला रही है बिना जाने पहचाने कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते अननोन से, प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं। पहला रूल याद कीजिए, बेसिक लॉज जो पढ़ाया गया था लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, द फर्स्ट रूल वॉज एनी रियल नंबर कैन बी एडेड बोथ द साइड। एनी रियल नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव में दोनों साइड इधर भी माइनस एक्स ऐड कर दे रहा हूं, इधर भी माइनस एक्स ऐड कर दे रहा हूं, तो इधर माइनस एक्स आ जाएगा और इधर एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। ऐड सबट्रैक्ट किया जा सकता है अननोन को दोनों साइड, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिविजन में इनइक्वालिटी चेंज होती है। इसीलिए जब तक हमको एक्स के बारे में मालूम ना हो, अननोन के बारे में मालूम ना हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब तक हम उसका मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, मगर ऐड सबट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हमने एक्स को इधर बुला लिया। अब तो बड़ा आसान सा काम, ये एलसीएम लेना, लेस देन जीरो, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। यहां पर आएगा माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। इधर माइनस नहीं होना चाहिए भाई, तो आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस माइनस को हटा लीजिए। समझने वाली बात है, मैं बस एक ही ढर्रे पर बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बिना माइनस, आप ऐसे भी लगा सकते हैं माइनस एक्स की लिमिट निकाल, बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने। अच्छा ठीक है, अब इसको पॉजिटिव हम खोज रहे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज आएगी, इसको हम पॉजिटिव चाहते हैं। ये तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हुआ हुआ है सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं हुआ, आपको मालूम होना चाहिए फैक्टराइजेशन किया, तो ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। अब अगर ये फिर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो इसके बारे में फिर जानिए कि ये है क्या, कैसी क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके लिए ए की वैल्यू क्या है वन, वो ग्रेटर देन जीरो है, डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, बी इसमें जीरो है, माइनस फोर ए सी, ये माइनस फोर आ रहा है मतलब डी लेस देन जीरो है। इसका ग्राफ कैसा रहेगा ऐसे, ए ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ अपवर्ड खुलेगा, डी लेस देन जीरो है तो मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगी, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। इतना कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे स्क्वायर पॉजिटिव प्लस वन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू रखोगे स्क्वायर करने पर पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस वन पॉजिटिव आएगा, तो न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है और हम इस पूरे को पॉजिटिव खोज रहे हैं तो इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है ही, अगर ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये पूरी चीज पॉजिटिव है, तो ये इनइक्वालिटी फर्दर किसमें रिड्यूस हो जाती है कि एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस वन, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से इनफिनिटी, दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट।